तो हम आ जाते हैं जोग्राफी के ऊपर जोग्रफी में ऐसा कुछ खास है नहीं जोग्रफी में सबसे पहले वर्ल्ड के लेवल पे लैंड एयर वाटर के बारे में पढ़ते हो आप लैंड यानी जियोमॉर्फोलॉजी एयर यानी क्लाइमेटोलॉजी और वाटर यानी ओशियनोग्राफ़ी तो वर्ल्ड के लेवल पर आपने पढ़ लिया फिर उसके बाद आप पढ़ते हो लेवल पर फिर इंडिया के लेवल पर यही लैंड एयर और वाटर के बारे में कि इंडिया की जियो इंडिया की इंडिया में जो वाटर होगा वो रिवर हो जाएगा ओशियनोग्राफ़ी नहीं होगी तो इंडियन रिवर सिस्टम फिर इंडिया की एयर यानी इंडिया के क्लाइमेट दैट इज़ मानसून तो पहले वर्ल्ड के लेवल पर पढ़ा फिर इंडिया के लेवल पर फिर रीजनल जोग्रफ़ी तो ये क्या हो गया कि वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के लेवल पे फ़िजिकल जोग्रफी दैट इज़ लैंड एयर वाटर के बारे में इंडिया के लेवल पर फिजिकल जोग्रफ़ी दैट इज़ लैंड एयर वाटर के बारे में फिर इसके बाद आप पढ़ोगे ह्यूमन जोग्रफ़ी ह्यूमन ज्योग्रफी में कुछ नहीं कि आ, मतलब पॉपुलेशन के बारे में माइग्रेशन वगैरह के बारे में इन इन चीज़ों के बारे में और फिर जोग्रफ़ी सब्जेक्ट का जो एप्लीकेशन है तो किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन हम कैसे समझते हैं कि जोग्रफ़ी को हम जोग्रफी का यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकते हैं तो जोग्राफ़ी का इकोनॉमिक यूज़ तो इकोनॉमिक यूज़ क्या है रिसोर्स सारी चीज़ें जोग्राफ़ी में रिसोर्स ही तो बनती हैं तो रिसोर्स के बारे में आप पहले पढ़ोगे रिसोर्स में नेचुरल रिसोर्स जो पाई जाती हैं उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में तो पॉपुलेशन के बारे में फिर ये ह्यूमंस जो होते हैं ये इस नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर के लिए सेकेंडरी एक्टिविटी दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए टर्शरी एक्टिविटी दैट इज सर्विस सेक्टर में आप ये बोल सकते हो ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं कुछ वो वाली चीज़ें तो इस तरह से यही है पूरे जोग्राफ़ी में तो पहले हम आ जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर लैंड एयर वाटर में दैट इज़ जो जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी और वाटर यानी ओशनोग्राफी तो हम शुरू करेंगे फिजिकल जोग्राफी एट वर्ल्ड लेवल सबसे पहले एयर यानी क्लाइमेटोलॉजी से तो प्रभु जी सर ने बोला था कि मेक पी पी टीज ऑन टॉपिक्स एंड ऑलवेज कीप इट इन पेन ड्राइव सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट अपलोड पी पी टी ऑन योर यूट्यूब चैनल ठीक है तो वही है तो इसमें ऑफिस की चीज़ों के लिए भी पी पी टी बना सकते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी में तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं एक है बेसिक कॉन्सेप्ट दूसरा एटमॉस्फेयर तीसरा हीटिंग फिर चौथी चीज़ है एयर में टेम्परेचर फिर प्रेशर फिर उसके बाद विंड्स फिर उसके बाद सातवां चैप्टर ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, आठवां चैप्टर आपका हो जाएगा एयर मास नवा चैप्टर आपका हो जाएगा साइक्लोन्स एंड एंटाईसाइक्लोन्स और फिर इसके बाद ओशनोग्राफी शुरू हो जाएगी तो पहले फोकस करते हैं क्लाइमेटोलॉजी पर तो आ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी पे तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आप अर्थ के बारे में पढ़ोगे तो डेफिनेशन अर्थ की ज्योमेट्री कैसे है अर्थ का मोशन क्या है इम्पैक्ट ऑफ मोशन ऑफ अर्थ दैट इज़ सीजनस ऑफ अर्थ होते हैं अर्थ के मोशन की वजह से फिर डिस्क्राइबिंग पोजिशन ऑफ अर्थ और फिर जोग्राफिक डोगमा या फिर गोल्डन लॉ ये तो सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफ अर्थ पर आ जाते हैं तो अर्थ का शेप जो होता है जियोइड होता है जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप फिर ओ एस एस ओ एस एस होता है ओब्लेट स्फेरॉइड शेप इसमें मतलब क्या होता है बल्ज एट सेंटर होता है और फ्लैट एट द टॉप होता है तो ऐसे चिपटा हुआ सेब के टाइप का सिंस रोटेशन इस का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट इक्वेटर इज मोर इसीलिए इक्वेटर पे से ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है ओके okay. नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं आप फिर मोशन ऑफ अर्थ के नहीं अगली चीज़ एक शेप ऑफ अर्थ हो गया अगली चीज़ हो गया जिमेट्री ऑफ अर्थ में टिल्ट ऑफ अर्थ तो अर्थ का शेप कैसा है और अर्थ का टिल्ट कैसा है तो टिल्ट में देखेंगे तो एक्शियल टिल्ट है अर्थ earth का अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम वर्टिकल की वर्टिकल से अर्थ की एक्सेस कितने एंगल पर है यही टिल्ट कहलाता है तो अर्थ अपनी वर्टिकल एक्सेस से 23 डिग्री हाफ मिनट 23 नहीं 23.5 डिग्री पर क्या कह सकते हैं टिल्टेड है अपनी एक्सेस से जो कि यहाँ पे दिख रहा है ठीक है अब क्वेश्चन ये है कि इस टिल्ट का रीज़न क्या है तो रीज़न ऑफ टिल्ट बताया जाता है मैग्नेटिज्म क्योंकि सन अर्थ से ज़्यादा इस्ट्रांगर मैग्नेट है तो सन अर्थ को अपनी ओर खींचता है इस वजह से अर्थ टिल्ट हो जाती है फिर इस टिल्ट का इफेक्ट क्या होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और बचे हुए एरियाज में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है ठीक है तो क्योंकि अर्थ टिल्टेड है इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है पूरे अर्थ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं भाती है ठीक है मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे परपेंडिकुलरली लाइट पड़ेगी और बची हुई जगह स्लैंटेड लाइट पड़ेगी इसीलिए क्या होगा कि जैसे 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 ऊपर जाओगे आप वैसे वैसे गर्मी घट जाती है पोलर एरियाज़ में ज़्यादा ठंडी है यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा ठंडी है ठीक है तो टिल्ट और ऊपर से ये जो टिल्ट है ये चेंज भी होता रहता है इसको बोलते हैं मिलेंकोविक साइकिल तो अर्थ का टिल्ट भी कॉन्स्टेंट नहीं है अर्थ की टिल्ट भी चेंज होती रहती है ठीक है अगली चीज़ अर्थ का मोशन तो तीन तरह से मोशन है अर्थ के रोटेशन रिवोल्यूशन और वॉबलिंग तो रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस विच इज़ टिल्टेड एट ट्वेंटी थ्री हाफ डिग्री ट्वेंटी थ्री हाफ डिग्री फ्रॉम वर्टिकल फिर रिवोल्यूशन अराउंड द सन अर्थ सन के जब पास होती है तो पास यानी पी पेरीलियन बोलते हैं फार फ्रॉम सन यानी अवे अवे यानी एप हीलियन तो ये डायग्राम से दिख जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सन सेंटर में और अर्थ उसके चारों ओर एक सर्कल बना के घूम रही है सन इनफैक्ट अर्थ जो है सन के अराउंड एक एलिप्टिक पाथ में घूम रही है मतलब दो फोकस हैं तो उसमें सन एक फोकस पे लाई करता है मतलब अर्थ कभी कभी सन के बहुत करीब आ जाती है कभी कभी सन से बहुत दूर जाती है फिर अर्थ क्या है वॉबल कर रही है तो एक्जियल टिल्ट ऑफ अर्थ चेंजेस एक्ज टिल्ट अगर अर्थ का चेंज हो रहा है इसका मतलब अर्थ वॉबल कर रही है ठीक है इम्पैक्ट ऑफ मोशन ऑफ अर्थ 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 क्योंकि मूव कर रही है इसलिए अर्थ में सीजनस हैं तो अलग अलग सीजनस कौन से होते हैं चार सीजन ऐसे डब्ल्यू एस सॉज समर के बाद ऑटम ऑटम के बाद विंटर विंटर के बाद स्प्रिंग फिर समर ऑटम विंटर स्प्रिंग ठीक है रेन को कुछ लोग सीजन बोलते हैं लेकिन रेन सीज़न नहीं है रेन एक फिनोमिना है विच कैन हैपन इन समर ऑल्सो विंटर ऑल्सो ठीक है तो सर्दी में भी बारिश हो जाती है विंटर में भी बारिश हो जाती है फिर क्वेश्चन है सीजन क्यों बदलते हैं तो आंसर है दो चीज़ें एक तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ और दूसरा अर्थ का एक्शल टिल्ट ठीक है क्योंकि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है तो अर्थ कभी सन के पास जाएगी कभी दूर जाएगी फिर अर्थ टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे इसलिए भी अर्थ पर सीजन बदलते रहते हैं ठीक है तो एक हो गया समर सॉल्सटेस अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है अर्थ पे नॉर्दर्न हेमिसफेयर में रहती है तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जैसा सीजन होगा उस हिसाब से इसको डिफ़ाइन किया जाता है तो ऐसे यानी समर उस उसका मतलब क्या है कि नॉर्दर्न हेमस्फेयर में समर होगा यानी तो यहाँ पर आ जाते हैं इसमें क्या है समर सॉल्सटेस इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिसफेयर में गर्मी है यानी डेज़ ग्रेटर दिन दे, ज़्यादा बड़े होंगे रात से फ्रेई यानी ऑटम इक्विनॉक्स तो यानी नॉर्दर्न हेमोसफेयर में ऑटम का सीजन है और इसमें दिन जो होते हैं वो रात के बराबर होते हैं फिर डब्ल्यू एस यानी विंटर सॉलिस्टेज इसका मतलब नॉर्दर्न हेमस्फेयर में विंटर है यानी दिन जो है रात से छोटे रात बड़ी सर्दियों में रात बड़ी होती है दिन से फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिसफेयर में स्प्रिंग है और स्प्रिंग में भी दिन और रात बराबर होते हैं तो समर सॉल्स्टेज में समर में दिन बड़ा होता है विंटर में रात बड़ी होती है और ऑटम और स्प्रिंग इक्विनॉक्स में इक्वी यानी इक्वल दिन और रात बराबर हो जाते हैं तो ये देखिए ये ऐसे दिखाया है कि सबसे पहले समर सॉलस्टेस फिर ऑटम इक्विनॉक्स फिर विंटर सॉलस्टस फिर स्प्रिंग तो ऐसे डब्ल्यू एस सॉज ऐसे ऐसे ही घूमते रहेंगे सीजन्स ठीक है अगली चीज़ आ जाते हैं वाई सीजन्स चेंज सीज़न क्यों बदलते हैं तो आंसर है दो चीज़ एक रिवोल्यूशन है अर्थ का और दूसरा एक्शियल टिल्ट रिवोल्यूशन यानी सन के चार ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है और अर्थ अपनी एक्सिस से टेढ़ी है तो अब ये हो गई अर्थ अब इसमें क्या है ट्रॉपिकल टेम्परेट और पोलर ट्रॉपिकल यानी बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन इसको टॉरेट जोन भी कहते हैं फिर अगली चीज़ टेम्परेट ट्वेंटी थ्री हाफ से सिक्सटी सिक्स एंड हाफ़ फिर पोलर सिक्सटी सिक्स एंड हाफ़ से नाइन्टी रिजल्ट क्या है तीन जोनस बन जाते हैं ट्रॉपिकल जोन टेम्परेट जोन पोलर या फिर फ्रिजड जोन तो ये तीन जोन है जो ट्रॉपिकल है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर वो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ़ डिग्री नॉर्थ हो जाती है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन है वो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ होती है तो सन की डायरेक्ट लाइट डायरेक्ट लाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर से ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ़ कैपरिकॉन तक ही पहुँचती है इसीलिए जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होंगे वो गर्म होंगे इसके ऊपर सन की लाइट टेढ़ी पहुँचेगी तो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ़ से सिक्सटी एंड हाफ तक टेम्परेट रीजन है रिलेटिवली ठंडा और पोल्स पे सन की लाइट बिल्कुल तिरछी पहुँचेगी तो सिक्सटी सिक्स एंड हाफ़ से नाइन्टी तक पोलर रीजन या और भी ज़्यादा ठंडा तो अर्थ पे एक तरह से गर्मी ठंडी फिर और ज़्यादा ठंडी तो इसी के बेसिस पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जोग्राफ़ी बदलती रहेगी ठीक है सब कुछ गवर्न सन से हो रहा है फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग पोजिशन ऑफ अर्थ तो अर्थ की पोजिशन डिफाइन करने के लिए आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन चार चीज़ें दैट इज़ लेंथ यूज़ नेम नंबर एंड डेफिनेशन तो इस पर आ जाते हैं कि लेटिट्यूड क्या होता है लेंथ के बेसिस पे लेंथ ऑफ लेटिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स पोल्स लेकिन जो लॉन्गीट्यूड की लेंथ है वो सेम रहती है ठीक है लेटीट्यूड क्लासीफाई करता है हीट जोन को ट्रॉपिकल टेम्परेट पोलर ठीक है तो लोगों की लाइफ स्टाइल डिपेंड करती है इसी के बेसिस पे कि वो कौन से लेटीट्यूड पे रह रहे हैं वहाँ ज़्यादा धूप पड़ रही है तो लोग उसी तरह के घर बनाएंगे उसी तरह के कपड़े जिस जितनी धूप पड़ रही है उस हिसाब से वेजिटेशन होगी तो उस हिसाब से खाना होगा तो कल्चर जो चेंज हो रहे हैं वो लेटिट्यूड की ही वजह से चेंज हो रहे हैं क्योंकि हीट बदल रही है और लॉन्गीड की बात करें तो यानी अर्थ रोटेट करती है तो लाइट रीच जहाँ पर लाइट पहुँचेगी अर्थ रोटेट कर रही है तो जिन एरियाज़ में अर्थ पे लाइट पहुँचेगी वहाँ दिन रहेगा जिन एरियाज़ में लाइट नहीं पहुँचेगी वहाँ नाइट रहेगा तो लॉन्गीड का यूज़ करके टाइम जोन्स को क्लासिफाई किया जाता है फिर लेटीट्यूड को पैरेलल्स कहा जाता है लॉन्गीट्यूड को मेरीडियंस कहा जाता है लैटिट्यूड क्या है वन एट्टी डिग्री लैटिट्यूड लाइन्स लेटिट्यूड मतलब एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर लेटिट्यूड की डेफिनेशन ये हो गई कि जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो इक्वेटर के नॉर्थ में एंगुलर डिस्टेंस कितनी है या इक्वेटर के साउथ में एंगुलर डिस्टेंस कितनी है तो थर्टी डिग्री नॉर्थ यानी इक्वेटर से थर्टी डिग्री का एंगल बनाएंगे तो अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे आप लॉन्गी की बात करेंगे तो 360 सिक्सटी डिग्री लॉन्गी लाइन्स होती हैं लॉन्गीट्यूड क्या होता है एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ मेरीडियन तो ग्रीन विच मेरीडियन है अब एंगुलर डिस्टेंस उसके ईस्ट में या एंगुलर डिस्टेंस उसके वेस्ट में अगली चीज़ क्या है जोग्राफिक डोगमा या फिर गोल्डन लॉ एवरीथिंग शुड बी स्टडीड इन बैकग्राउंड ऑफ ए एस एस आर अ शिफ्टिंग ऑफ सन रेज तो अर्थ पे जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ सूरज की वजह से हो रहा है यही जो अपेरेंट शिफ्टिंग है सन की रेज की यही गोल्डन लॉ है जोग्राफी में सब कुछ सन की ही वजह से हो रहा है जैसा बताया सन की वजह से हीट आएगी हीट से गवर्न होगी कि किस तरह की वेजिटेशन होगी किस तरह की क्लाइमेट होगी जिस तरह की वेजिटेशन होगी उस तरह के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर आएंगे जिस तरह की क्लाइमेट होगी उस तरह के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आएंगे ह्यूमन कंडीशन उसी टाइप की होगी ज़्यादा गर्मी है तो घरों में ज़्यादा हवा आने के लिए जगहें होंगी ठीक है ज़्यादा सर्दी है तो ज़्यादा कवर्ड होंगे घर ज़्यादा बारिश है तो किसी तरह के घर होंगे जिस तरह की वेजिटेशन उस तरह का खान पान होगा लोगों का उस तरह के लोग दिखेंगे तो सभी कुछ गवर्न होता है इसी गोल्डन लॉ से एवरीथिंग शुड बी स्टडीड इन बैकग्राउंड ऑफ़ अपेरेंट शिफ्टिंग ऑफ सन रेज तो अब क्या है अपेरेंट शिफ्टिंग ऑफ सन रेज मानो ये अर्थ है ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ये ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन अब सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट यानी वर्टिकली फॉल करती है सन की रेज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन सन रेज फॉल वर्टिकली इन मार्च 21 मार्च को फिर 21 जून को फिर 23 सितंबर और 22 दिसंबर को तो 21 सितंबर को अब ये सन की रेज जो है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती रहती हैं ठीक है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है और रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड तो मार्च 21 को सन की रेज वर्टिकली अलग अलग जगह पर अलग अलग लेटिट्यूड पे वर्टिकली पड़ती है क्योंकि अपेरेंटली शिफ्ट हो रही है सन की रेज़ तो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को बोले तो वर्टिकली वो गिरती है इक्वेटर के ऊपर तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है जून ट्वेंटी वन पर सन की रेज जो है वो वर्टिकली गिरती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर तो समर सॉल्सटेस आ जाता है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में सदर्न हेमिसफेयर में तब ठंडी पड़ रही होगी सेप्टेम्बर तेईस को इक्वेटर पर सन की रेज़ वापस वर्टिकली आ जाती हैं तो ऑटम इक्विनॉक्स आ जाता है दिसंबर बाईस को ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं ठीक है तो आप ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ ठीक है मार्च ट्वेंटी वन मार्च के तीन महीने बाद जून आया जून में यहाँ पर आ, समर सॉल ठीक है फिर तीन महीने बाद सितंबर सितंबर में पड़ी ऑटोमिक क्विनॉक्स फिर तीन महीने बाद दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन तो इक्वेटर से शुरू हुआ इक्वेटर के बाद ऊपर गई मार्च ट्वेंटी वन को इक्वेटर पे फिर ऊपर गई ठीक है जून ट्वेंटी वन को ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर फिर सितंबर तेईस को नीचे आई इक्वेटर पर और फिर दिसंबर बाईस को आ गई ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन को तो ऐसे ऐसे चलती रहती हैं सन की रेस इसी को बोलते हैं अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन्स रेस देन आ गया एटमासफेयर सेकेंड चैप्टर एटमासफेयर में डेफिनेशन एडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटमासफेयर और एवोल्यूशन ऑफ एटमासफेयर की एटमॉसफेयर का ओरिजिन कैसे हुआ कॉम्पोजिशन और रिसेंट चेंजेस इन एटमासफेयर तो एटमोसफेयर की डेफिनेशन की बात करें तो अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर तो ये जो एयर का ब्लैंकेट है इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर याद रखने के लिए टी एस एम टी दैट इज ट्रोपोसफेयर स्ट्रेटोसफेयर मीजोसफेयर थर्मोस्फेयर तो इसमें क्या है कि हर एक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसकी एवरेज हाइट पढ़ लेंगे और उसकी स्पेशलिटी पढ़ लेंगे तो ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट है बारह किलोमीटर और इसकी स्पेशलिटी क्या है चार चीज़ें टी पी टी जेड एक तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है विथ हाइट इन ट्रोपोसफेयर तो यहाँ पे नॉर्मल लैप्स रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यानी एक किलोमीटर ऊपर गए ट्रोपोस्फेयर में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा फिर प्लानेटरी बाउंड्री क्योंकि बायोस्फीयर जो है ट्रोपोस्फेयर में ही एक्जिस्ट करता है ट्रोपोस्फेयर में ही एयर वाटर और लैंड तीनों मिल रहे हैं ठीक है तो यहीं पर है बायोस्फीयर यहीं पर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं फिर लेयर जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है फिर ट्रोपोसफेयर ही जोन ऑफ मिक्सिंग है तो जोन ऑफ मिक्सिंग है इसीलिए हवा यहाँ पर मिक्स हो रही है इसीलिए ऑल वेदर प्रोसेस हैपन इन ट्रोबोसफेयर ओनली स्ट्रेटोसफेयर की बात करें तो उसकी एवरेज हाइट बारह किलोमीटर से पचास किलोमीटर है इसकी स्पेशलिटी दो है एफ ओ एक तो स्ट्रेटोसफेयर में फ़्लाइट फ्लाइट इसलिए उड़ती है स्ट्रेटॉस्फेयर में क्योंकि ट्रोपोसफेयर में तो सारे वेदर फिनोमिना है वेदर फेनोमिना डिस्टर्ब करेंगे फ्लाइट को इसीलिए फ्लाइट जनरली स्ट्रेटोसफेयर में उड़ती है अबव ऑल द वेदर फेनोमिना फिर स्टेटोसफेयर में ओजोन लेयर है ओजोन एब्जॉर्ब करती है यूवी वे रे यू वी रेस को भाई चैपमैन साइकिल चैपमैन साइकिल लेकिन अभी ओजोन डिप्लीट हो रही है फिर मीजोसफेयर की बात करें तो उसकी एवरेज हाइट पचास से किलोमीटर है और उसकी स्पेशलिटी है तीन चीज़ें टी सी एम एक तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ एलिवेशन क्योंकि गैस का कॉन्सनट्रेशन कम है इसलिए दे कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट अगली चीज़ मीजोसफेयर क्या है कोलेस्ट लेयर है प्लस मेनोपॉज वेयर देअर वेर दिस लेयर एंड्स मीजो पॉज होगा मैनो पॉज नहीं होगा वो फिर थर्मोसफेयर इसकी एवरेज हाइट एक्सटेंड्स बियॉन्ड एटी किलोमीटर इसकी स्पेशलिटी क्या है टी एस ए आई दैट इज़ टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस लेयर विथ हाइट प्लस सैटेलाइट और अरो हैपन होता है थर्मोसफेयर में ही फिर थर्मोसफेयर से ही रिलेटेड है आइनोसफेयर आइनोसफेयर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पर आयन्स ऑफ एटम्स इट इज़ डिवाइडेड इंटू डी ई एफ जी लेयर्स ठीक है आयनोसफेयर को इसमें भी डिवाइड करते हैं तो शायद थर्मोस्फेयर के अंदर ही आयनोसफेयर को हम पढ़ते हैं ठीक है यहाँ पर टेम्परेचर सन की लाइट पड़ती है डायरेक्टली आइनमोसफेयर पर ही तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर आय आए... आइटम्स जो होते हैं वो आयनाइज़ हो जाते हैं और आयनोसफेयर को आप फर्दर डिवाइड कर देते हो चार लेयर्स में डी ई एफ जी लेयर्स अब एटमोसफेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एटमोसफेयर तो चार चीज़ें पी वी सी जी जो प्राइमऑर्डियल एटमोसफियर था अर्थ का इट वॉज लॉस्ट इन टू स्पेस प्राइमऑर्डियल यानी एकदम शुरू में ठीक है तो शुरू में तो कोई एटमॉसफियर था ही नहीं अर्थ पे फिर क्या हुआ वॉलकैनिक अरप्शन शुरू हुए जिसकी वजह से डी गैसिंग शुरू हुई दैट इज़ डी गैसिंग यानी वॉलकैनोज के थ्रू गैसेस बाहर आने लगी फिर ये गैसेज जब बाहर आई वॉल्कैनो से तो ऊपर जाके इन्होंने क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर दिया जब क्लाउड्स बने तो वाटर साइकिल शुरू हो गई फिर क्या हुआ कि ग्रेविटी जो है ग्रेविटी ने होल्ड कर लिया इन गैसेस को और क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये गैसेस अर्थ से बंधी हुई हैं इसलिए एटमॉस्फेयर बन गया फिर अब इस एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है तो छह चीज़ें एन ओ ए डब्ल्यू डी सी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है सेवेंटी एट परसेंट उससे कम ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट उससे कम आर्गन उससे कम वाटर वेपर उससे कम डस्ट और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड रिसेंट चेंजेस क्या आए है हैं एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री थिंग्स सी एम ओ कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और दूसरी कुछ जैसे हैं जिनका कि कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ा है तो सबसे पहले बात करते हैं सी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है पहले ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री थी अब जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट हो गई है ठीक है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग और ज़्यादा बढ़ी है फिर मीथेन मीथेन इंक्रीज हो गई है फ्रॉम सेवन सेवेंटी पार्टस पर बिलियन टू एटीन सेवेंटी पार्ट्स पर बिलियन किस वजह से फॉसिल फ्यूल की वजह से प्लस लाइफ स्टॉक सी प्रोड्यूस करते हैं पैडी फील्ड में मीथेन प्रोड्यूस होती है क्यों पैडी फील्ड में होती है क्योंकि जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग हो जाएगी वहाँ पर माइक्रोव्स आएंगे और माइक्रोव्स जो होते हैं वो मीथेन रिलीज़ करते हैं दूसरे गैसे जिनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप समझ सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आती हैं सात चीज़ें सी ओ एन एस पी एन पी सी से सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड ओ से ओजोन एन से एन ओ टू एस से एस ओ टू पी एन पी पी एम टू पॉइंट फाइव पी एम टेन एन एच थ्री पी वी मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इंक्लूडेड है फिर अगली चीज़ नोट कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन सन स्टेशनरी है बट सन मूव्स फ्राम बट अर्थ मूव्स फ्राम नहीं सन स्टेशनरी है लेकिन हमको क्या दिखता है हमको ऐसा दिखता है कि मानो सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा हो इसका मतलब अर्थ मूव कर रही होगी वेस्ट टू ईस्ट तभी तो हमको सन ईस्ट टू वेस्ट जाता दिख रहा है भाई अगर पेड़ हमको रास्ते में पीछे जाते दिख रहे हैं इसका मतलब हम आगे जा रहे हैं क्योंकि पेड़ तो स्टेशनरी है ना तो जब सन आपको ईस्ट से वेस्ट जाता दिख रहा है इसका मतलब अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट वाटर जो अर्थ पर है दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ अर्थ वाटर मूव्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वजह से ओशियन करेंट बनते हैं इक्वेटर पर ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं ओशन करेंट और टाइड्स जो होती हैं वो भी ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं लेकिन देखो जो पानी है वो अर्थ के कांटेक्ट में है इसीलिए इनर्शिया की वजह से पानी जो है अर्थ के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा लेकिन जो हवा है हवा नहीं है कांटेक्ट में अर्थ के एयर इज़ नॉट इन कांटेक्ट ऑफ अर्थ तो एयर अर्थ के साथ ही मूव करेगी तो अर्थ अर्थ मूव तो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट तो एयर को भी वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करना चाहिए ना फिर तो हुँ? तो इसको देख लेंगे कुछ कन्फ्यूजन है इसमें तो बाद में क्लैरिटी ले लेंगे अगली चीज़ आई हीटिंग हीटिंग की बात करते हैं तो हीटिंग की डेफिनेशन क्या है एडिशनल मोड ऑफ हीटिंग हीट वेव हीट बजट अर्बन हीट आइलैंड और क्राइस्फेयर इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले आएगा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र तो चार तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है सी कार कंडक्शन कन्वेक्शन एडवेक्शन और रेडिएशन और फिर आप इनको कंपेयर कर सकते हो कंडक्शन में मतलब क्या है कि दो बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट होना ही चाहिए हीट ट्रांसफ़र होने के लिए मतलब अगर कांटेक्ट की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो कंडक्शन कहलाएगा दैट इज़ हॉटर बॉडी अगर किसी कूलर बॉडी के कांटेक्ट में है तो हॉट बॉडी से कोल cool बॉडी में चले जाएगा एग्जाम्पल आइस शीट एंड एयर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर तो इसलिए आइस शीट से लगी हवा थोड़ी ठंडी हो जाएगी कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन क्या होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है एग्जाम्पल अगर आप किसी बॉइलिंग वाटर को बॉयलिंग वाटर है उसके ऊपर आप अपना हाथ रख दो तो भाप की वजह से हाथ गर्म हो जाता है ना इसका मतलब एयर के पार्टिकल हीट को कैरी कर रहे हैं फिर अगली चीज़ आ गई एडवेक्शन एडवेक्शन क्या होता है हॉरिजोंटल मूवमेंट ऑफ एयर टू कॉज हीट ट्रांसफ़र फिर आ गया रेडिएशन रेडिएशन में क्या होता है अर्थ का एटमॉसफियर एक्ट्स ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव बट ओपेक टू लॉन्ग वेव तो जो ये लॉन्ग वेव होती हैं दे आर ऑब्जर्व्ड बाई ग्रीन हाउस गैसेज अब ऐसा क्यों है कि शॉर्ट वेव शॉर्ट वेव आसानी से घुस जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेकिन लॉन्ग वेव को अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है ऐसा इसलिए है कि सन से जो आती हुई रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी ज़्यादा है ई इज़ इक्ल टू एच न्यू यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सी इज़ इक्ल टू न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेव लेंथ कम होगी तो इसीलिए जो शॉर्ट तो यानी वेव लेंथ कम है यानी वो शॉर्ट वेव है तो यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन आसानी से आ जाएंगी क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा है लेकिन अर्थ पर जब वो टकराई एटमॉस्फेयर से जब वो पास कर रही हैं तो उनकी एनर्जी लूज हो रही है तो अब एनर्जी घटेगी तो ई इज़ इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी घटेगी सी इज़ इक्वल टू न्यू लैमडा फ्रीक्वेंसी घटी तो वेव लेंथ बढ़ी वेव लेंथ बढ़ी तो वो लॉन्ग वेव हो गई तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो गई उसमें एनर्जी कम है तो उसे एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ग्रीन हाउस गैसेस अब कंपेरिजन कर लेते हैं सबसे पहले क्या हुआ आप देखो सन से जो लाइट आई अर्थ पर पड़ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है सन रेज कम टू अर्थ फिर नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ ग्राउंड पर वो जब लाइट पड़ी तो कंडक्शन हुआ तो कंडक्शन की वजह से ग्राउंड हीट अप हो गया फिर कन्वेक्शन शुरू हुआ दैट इज़ एयर अबव द ग्राउंड हीट्स अप और वो एयर ऊपर उठने लगती है तो रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन तीनों चीज़ हो गई अब हीट वेव इंडिया में और कैनेडा में दो जगह तो हीट वेव अकर्स वन टेम्परेचर इज़ हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर बाई फोर टू सिक्स डिग्री सेल्सियस कलर कोडेड हो रहती हैं ये ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है मतलब ये है लू चल रही है तो ग्रीन ग्रीन वार्निंग येलो वार्निंग ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग तो आप हीट वेव कब बोलोगे हीट वेव तब नहीं बोलोगे जब नॉर्मल टेम्परेचर से दो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है जब नॉर्मल टेम्परेचर से चार डिग्री सेल्सियस से छः डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है तभी वो आप हीट वेव कहोगे कि हीट वेव चल रही है तो इंडिया में क्या है ए है अरा तीन चीज़ें अरावली पैरेलल है टू तो साउथ वेस्ट मॉनसून तो कोई बैरियर नहीं होता प्लस दिल्ली की कॉन्टीनेंटालिटी कि दिल्ली जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया दिल्ली बहुत दूर है पानी से प्लस एग्रीकल्चर इन प्लेन्स तो फॉरेस्ट सारे क्लियर कर दिए आपने तो पेड़ हैं नहीं तो ये तीन रीजनस हैं जिनकी वजह से क्या है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्थ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों के टाइम पर क्योंकि अरावली एक तो पैरेलल है साउथ वेस्ट मानसून के तो उन विंड्स को बैरी उन विंड्स को रोकती नहीं है तो बारिश नहीं होती वहाँ पे प्लस दिल्ली में अगर आप देखोगे तो वो पानी से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए गर्मी रहती है प्लस नॉर्दर्न इंडियन बेल्ट में एग्रीकल्चरल प्लेन्स हैं तो फॉरेस्ट तो सारे आपने काट दिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहे हो आप तो भी आ, तो भी इन तीन वजह से हीट वेव इन, इंडिया में है कैनेडा में कैनेडा एक सब पोलर कंट्री है तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वहाँ पर टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए सब पोलर यानी पोल्स के पास पोल्स के पास सन की लाइट वर्टिकली पड़ नहीं रही है तो कायदे से उसे तो ठंडा होना चाहिए लेकिन कनाडा में भी 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है तो इसका आंसर दिया हीट डोम फॉर्मेशन की वजह से हीट डोम फॉर्मेशन में क्या है कि ऊपर मान लो हाई प्रेशर है ठीक है कैनेडा के ऊपर वाले एरियाज में हाई प्रेशर है तो जब गर्मी में कैनेडा में हॉट लैंड के कॉन्टैक्ट में जो हवा है वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठेगी ऊपर उठेगी लेकिन फिर ऊपर हाई प्रेशर है तो ये ऊपर से टकरा के एयर नीचे आएगी लेकिन फिर गर्मी बढ़ेगी तो फिर ये ऊपर जाएगी और नीचे आएगी तो ऐसे लड़ लड़ के घूम घूम के वही हरा हवा गर्मा गर्म होती जा रही है ये ऐसा है मानो कि कैनेडा है और कैनेडा कुकर के जैसा है कि कैनेडा एक लैंड है और उसको ऊपर से किसी ढक्कन से ढक दिया है और अब वो गर्म हुए जा रहा है ठीक है लाइट की वजह से लाइट आ रही है और वो गर्म हुई जा रही है वही हवा घूम रही है तो इसके कारण इतनी हीट हो गई है कि कैनेडा में चालीस से पचास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया फिर बात करते हैं हीट बजट की तो थियोरी क्या है और मैथमेटिकल पार्ट क्या है तो थियोरी है मनाबे क्लाइमेट मॉडल जो कि 1960 में इन्होंने दिया था तो 1960 में ही मनाबे ने बताया था दो इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है मनाबे ने पहली बात बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बाई मोर देन टू परसेंट और मनाबे ने दूसरी चीज़ जो पहली बार बताई वो ये थी कि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है तो मनाबे वॉज द फर्स्ट वन टू तो टेल दिस फिर मैथमेटिकल पार्ट इसका क्या है मानो सौ है तो सौ को ब्रेक करो थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस प्लस फिफ्टी वन ठीक है तो लेटेस्ट से हंड्रेड यूनिट्स ऑफ सनलाइट एंटर कर रही है अर्थ में तो सबसे पहले एंट्री फ़ी लगेगी पैंतीस की मतलब क्या है कि ऐसा दो चीज़ें एक तो स्केटर्ड हो जाएंगी कुछ हिस्सा सिक्स परसेंट इसका ठीक है और कुछ हिस्सा क्या होगा अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाएगा स्पेस में टू परसेंट और कुछ हिस्सा क्लाउड के द्वारा मैनेज कर लिया जाएगा तो ट्वेंटी सेवन परसेंट ठीक है अब जब पैंतीस परसेंट स्केटर हो गई कुछ स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गई कुछ क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट कर दी तो बची कितनी हवा में आई हवा में 14% परसेंट एब्जॉर्ब कर ली गई एटमॉस्फेयर के द्वारा तो बची कितनी लैंड तक जो पहुंच रही है हीट उसमें क्या है कि लैंड में भी जो पहुंची उसको रिफ्लेक्ट कर दिया गया बाई रेडिएशन टर्बुलेंस कन्वेक्शन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन तो यही है हीट बजट की सौ यूनिट हीट आई तो पैंतीस पैंतीस तो एंट्री फी लग गई उसके बाद चौदह परसेंट हवा में फिर इक्यावन परसेंट लैंड में तो जो एंट्री फी लगी पैंतीस की उसमें स्कैटरिंग रिफ्लेक्टेड इंटू स्पेस और क्लाउड और एयर में फोर्टीन परसेंट एटमासफियर ने अब्सॉर्ब कर ली और जो फिफ्टी वन लैंड पे पहुंची उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट कर दी गई रेडिएशन के द्वारा कुछ टर्बुलेंस कन्वेक्शन के द्वारा कुछ लेटेंटिट ऑफ कंडेंसेशन के द्वारा अब आ जाते हैं किस पे हीटिंग के ऊपर तो हीटिंग में अर्बन हीट आइलैंड की थियोरी तो थियोरी क्या है ड्रॉबैक क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है तो अर्बन हीट आइलैंड थेरी बोलती है कि अर्बन एरिया है वहाँ पे कंक्रीट ज़्यादा है पॉपुलेशन ज़्यादा है कंक्रीट हीट को एब्जॉर्ब करता है और पॉपुलेशन रिलीज करती है ग्रीन हाउस गैसेस तो इसीलिए वो गर्म ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू विलेजेस ड्रॉबैक क्या है इस थेरी का ओनली पॉइंट वन परसेंट ऑफ अर्थ सर्फेस अर्बनाइज ठीक है सेवेंटी तो वाटर है और ट्वेंटी लैंड है उस लैंड में भी डेजर्ट फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं तो सिर्फ पॉइंट वन सर परसेंट सरफेसि तो हुई अर्थ की जो कि अर्बनाइज है जहाँ पे सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन है तो ऐसा नहीं है कि इतने छोटे से एरिया के कारण पूरी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी पूरी अर्थ इस वजह से गर्म नहीं हो जाएगी कि जो सिटीज़ हैं वो अर्बनाइज है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि सिटीज़ अपने आप में अर्थ का सिर्फ पॉइंट है बता तो नाइन्टी नाइन पे पानी है लैंड में डेजर्ट फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं सॉल्यूशन क्या दिया गया कि अर्बन हीट आइलैंड में बिकम प्रॉब्लम इन फ्यूचर क्योंकि रेट ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ग्रीन कवर ज़्यादा से ज़्यादा करो प्लस ग्रहा रेटिंग का यूज़ करके घरों को बनाओ फिर क्राइसफेयर एंड रोल्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन तो क्रायोसफेयर क्या है इट इज़ पोर्शन ऑफ अर्थ सर्फेस वेयर वाटर इज़ इन सॉलिड फॉर्म तो वो हिस्सा अर्थ का जहाँ पर पानी सॉलिड फॉर्म में है एग्जाम्पल फ्रोजन ग्राउंड ग्रीन लैंड के आसपास आइस कैप्स पोल पे आइस शीट्स पोल पे ग्लेशियर्स हिमालय वगैरह पे तो ये सारे को क्राइस्फेयर बोलोगे इसका यूज़ क्या है इसके यूज़ हैं पाँच डी ए एम एल एक तो डार्केस्ट सर्फेस जो होती हैं एक्सपोज ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस तो डार्क सर्फेस एब्सॉब करती हैं हीट को दूसरी चीज़ एल लाइट कलर ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल आइस रिफ्लेक्ट करती है ज़्यादातर हीट को तीसरी चीज़ मीथेन गैस मीथेन गैस ट्रैप्ड इन आर्कटिक ओशियन उसको अनलॉक किया जा सकता है आर्कटिक आर्कटिक में सबसे ज़्यादा हीटिंग हो रही है पांचवी चीज़ लॉस ऑफ फ्रेश वाटर Logged in Cryosphere of Arctic and Antarctica.